अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मैट्रिक स्पेस का लेक्चर नंबर 5 है और उसमें हम एग्जांपल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल स्टूडेंट्स पीयू में 2010 में और 2001 में भी आई हुई है, तो इसलिए ये एग्जांपल जो है इम्पोर्टेंट भी है, एक अच्छी एग्जांपल है ये, ठीक है। और चलिए अपनी एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट डी बी मैट्रिक ऑन एक्स एंड डी डैश सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर बी गिवन बाय, ठीक है, एक डी डैश एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1, डी ऑफ एक्स कोमा वाई। इज डी डैश अ मैट्रिक ऑन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का कि उसने गिवन है, हमें ये बात गिवन है कि डी जो है हमारे पास वो मैट्रिक है, डी को मैट्रिक प्रूव नहीं करना, ये गिवन है कि डी क्या है मैट्रिक है। फिर हमें शो क्या करना है, प्रूफ किसको करना है, डी डैश को, ठीक है। सच दैट ऐसा फंक्शन है कि एक्स क्रॉस एक्स टू आर मैपिंग अगर की जाए, ठीक है, तो बी गिवन बाय, जो इससे एक न्यू फंक्शन हमारे पास डी डैश बनता है जो कि क्या है मिनिमम ऑफ 1, डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इज डी डैश अ मैट्रिक ऑन एक्स, फिर हमने डी डैश को शो करना है, डी डैश के बारे में प्रूव करेंगे हम कि क्या वो डी डैश मैट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारी थी स्टेटमेंट, तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। उससे पहले स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी होती है M1 नॉन नेगेटिविटी। तो इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, अब हमें पता है स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सिंस जो डी है हमारे पास डी ऑफ एक्स कोमा वाई वो क्या है मैट्रिक है। अगर ये मैट्रिक है तो ये लाजमी तौर पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये बात हमें गिवन है। अगर तो वो मैट्रिक है तो फिर मैट्रिक की कंडीशन जो उसका एक्सियम है वो सेटिस्फाई करेगा कि ग्रेटर और इक्वल टू डी ऑफ डी कोमा एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है। फिर हमें तो हमारा जो फंक्शन है डी डैश हमें उसको बताना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है। अब हमें पता है ये, इसको तो हमने देख लिया एक्स कोमा वाई डी ऑफ ये मैट्रिक है तो ये पॉजिटिव भी है, ठीक है, और वन वन भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव तो नहीं है ना, वन एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो मिनिमम ऑफ 2 नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस चीज को हम यहां पे लिखेंगे कि हमें पता है सिंस डी इज मैट्रिक ऑन एक्स, डी क्या है एक्स पे मैट्रिक है, सो जो डी ऑफ एक्स कोमा वाई हुआ वो क्या है ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। फिर हम लिखेंगे दस जो डी डैश है, डी डैश क्या है बीइंग द मिनिमम ऑफ 2 नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपली जो बात मैंने आपको बताई उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डी हमारे पास गिवन है, हमें पता है डी मैट्रिक है, अगर डी मैट्रिक है तो वो हमारे फर्स्ट एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा जो कि क्या है डी ऑफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब ये तो शो हो गया कि ये पॉजिटिव है और फिर हमें पता है जो हमारा जो न्यू फंक्शन है डी डैश वो मिनिमम है 2 नंबर्स का, तो इसमें 1 भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा फंक्शन क्या हुआ 2 नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज जो है, ठीक है, ये 2 नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज हुई, फिर तो ये लाजमी तौर पर फिर ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। सो हम लिखेंगे जो डी डैश है, डी डैश इज आल्सो नॉन नेगेटिव,
ठीक है। तो किस तरह से हम कहेंगे, दैट इज डी डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई किसके बराबर है, मिनिमम ऑफ टू नंबर्स, कौन से, वन, वन भी पॉजिटिव है और डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ये तो गिवन है कि ये मीट्रिक है तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल। यहाँ पे बता देंगे कि x y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इस x में से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो के मीट्रिक का जो फर्स्ट एक्सियम है नॉन नेगेटिविटी, ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा जो एक्सियम टू है, सेकंड एक्सियम, उसको हम एम टू यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एम टू है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब ये देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, हम कहते हैं कि डी डैश ऑफ एक्स वाई जीरो है, टू पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जीरो है। कब जीरो होता है, जब वो दोनों पॉइंट्स सेम होते हैं, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक। तो अगर ये जीरो है तो दिस इम्प्लाइज इसकी क्या वैल्यू है, मिनिमम ऑफ वन कॉमा डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये जीरो होगा और दिस इम्प्लाइज इन दोनों वैल्यूज में से स्टूडेंट्स डी ऑफ एक्स वाई क्या है, जीरो के बराबर होगा। क्यों होगा, अब हमें पता है चूंकि वन जो है, वन हम जीरो के बराबर नहीं कह सकते ना, वो तो वन है, हम नहीं कह सकते कि ये जीरो के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब लाजमी तौर पर ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू जीरो के बराबर होगी। अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर है तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स और वाई बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है सिंस डी इज मीट्रिक, ये बात तो गिवन है, ठीक है, ये डी है ना, तो हमें पता है स्टेटमेंट में हमारी है कि डी मीट्रिक है। अगर डी मीट्रिक है तो फिर लाजमी तौर पर ये मीट्रिक की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करेगा, ये टू पॉइंट्स क्या हुए, एक्स और वाई इक्वल हुए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई होगी। अब नंबर थ्री पे हम चलते हैं। नंबर थ्री हमारे पास होती है सबसे आसान प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, सिंपली जो हमारे पास फंक्शन है डी डैश ऑफ एक्स वाई बराबर है मिनिमम ऑफ वन डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो हमने सिंपली एक्स वाई की जगह रिप्लेस कर देनी होती है, तो वो डी डैश वाई ऑफ एक्स बन जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम ऑफ वन और डी ऑफ, ठीक है, वन, इसको तो चेंज करने से कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, हमें एक्स वाई की ही जगह चेंज करनी है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई की जगह डी डैश ऑफ वाई एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया, चूंकि हमें पता है डी मीट्रिक है तो ये हम कर सकते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डी डैश ऑफ एक्स वाई किसके बराबर हुआ, डी डैश ऑफ वाई एक्स के, ठीक है। ये फंक्शन था हमारा, इसमें हमने चेंज किया तो अब ये डी डैश ऑफ वाई एक्स बन गया, तो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी क्या हुई, सेटिस्फाई हुई। यहाँ पे हम बता देते हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ये कैपिटल एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रह गई है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारे पास ट्राई एंगल इनइक्वालिटी, तो इसमें स्टूडेंट्स हम तीन तरह से केस डिस्कस करेंगे, वो किस तरह से स्टूडेंट्स देखें, ये जो नंबर फोर प्रॉपर्टी है हमारी, इसमें से माइनर सा चेंज आया है जिसकी वजह से एग्जांपल इम्पोर्टेंट भी है और ये मैं आपको खुद करवा रही हूँ, बाकी एग्जांपल्स तो सिमिलर थी सारी, कोई भी चेंज नहीं था। तो अब ये देखें इसमें हम अगर केस बना ले, केस को डिस्कस करते हैं किस तरह से। केस वन में कहती हूँ,
केस वन है हमारे पास इफ मिनिमम ऑफ वन और डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अगर मैं कहूं इन दोनों का जो मिनिमम है वो वन के बराबर है, ठीक है, मैं ऐसा लेट कर रही हूँ, ठीक है, अगर इन दोनों का मिनिमम वन के बराबर है, ये पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि मिनिमम क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें से अगर मैं कहूं मिनिमम वन के बराबर है और दूसरा हमारे पास है मिनिमम ऑफ वन और डी ऑफ वाई जी, इसमें से मैं कहती हूं इसका भी मिनिमम वन के बराबर है, देन क्या होगा, हमें पता है ना कि थ्री पॉइंट्स जस्टिफिकेशन होती है, एक्स टू जी, फिर एक्स टू वाई और वाई टू जी, ठीक है स्टूडेंट्स। देन अगर इन दोनों में से मैंने कहा मिनिमम वन है, दोनों का मिनिमम वन ले लिया, देन क्या होगा कि जो हमारे पास मिनिमम ऑफ वन कॉमा डी ऑफ एक्स टू जी जो है ये लेस और इक्वल है वन से, ठीक है। अब मैं यहां पे कह रही हूं कि एक्स टू जी जो है, एक्स टू जी की बात हो रही है, पहले एक्स टू वाई लिया, उसमें मैंने कहा कि इफ, ठीक है, अगर इसका मिनिमम वन है और इस वाई टू जी इसका भी वन है, देन अब देखे मैं कह रही हूं हमारे पास एक एक्स टू जी, ठीक है, एक्स टू जी डिस्टेंस है, ये फंक्शन जो है एक्स टू जी की बात हो रही है, ये लेस और इक्वल टू वन है। लेस किस तरह से है, देखें कि ये दोनों दो वैल्यूज का मिनिमम है, ठीक है, ये जो फंक्शन है टू वैल्यूज का मिनिमम है तो वन से लेस होगा, ठीक है, और ये वन के इक्वल इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए इसमें वन भी है तो होप्स हो कि वन ही आ जाए यहाँ पे, ठीक है। ये जो x टू z है ये लेस और इक्वल टू वन रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, वन जो है वन लेस रहेगा वन प्लस वन से, ऐसा भी मैं लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ट्राई एंगल इनइक्वालिटी के जो थ्री पॉइंट जस्टिफिकेशन होती है कि डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट, ठीक है, ट्राई एंगल जो बनती है हमारे पास वर्टिसेस ऑफ ट्राई एंगल, उसकी एक साइड का जो डिस्टेंस होता है अदर टू साइड्स के डिस्टेंस के सम से क्या होता है, लेस रहता है, ठीक है। तो जो अदर टू साइड्स की हमने वैल्यू फर्ज की थी, हमने कहा था कि वन के इक्वल है, तो ये वैल्यूज उसकी रख दी हमने, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर वन लेस ही हुआ इन दोनों से, क्योंकि वन प्लस वन टू होते हैं, वन टू से लेस होता है, ठीक है, और ये इक्वल किसके है, वन प्लस वन, अगर इस वन की जगह और इस वन की जगह इनकी ये वाली वैल्यूज हम रख दें तो देखें वन प्लस वन किसके बराबर हुआ, मिनिमम ऑफ वन कॉमा डी ऑफ एक्स वाई, फिर प्लस मिनिमम ऑफ वन कॉमा डी ऑफ वाई जी, ठीक है स्टूडेंट्स। और दिस इंप्लाइज ये सारी वैल्यू किसके बराबर हुई, मिनिमम ऑफ डी एक्स टू जी, ये बराबर हुआ हमारे पास डी डैश ऑफ एक्स टू जी, ठीक है, और ये फिर क्या हुआ, लेस हुआ किससे, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास डी डैश ऑफ एक्स वाई प्लस डी डैश ऑफ वाई टू जी, ठीक है। तो एक केस स्टूडेंट्स यहां से हमने डिस्कस किया कि हमने दोनों का मिनिमम क्या फर्ज किया, कि दोनों का जो मिनिमम है वो वन है, ठीक है। अब केस नंबर टू इस तरह से हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। केस टू है हमारे पास, केस टू में अगर मैं कहूं इफ मिनिमम ऑफ वन कॉमा डी ऑफ एक्स वाई, इसका जो मिनिमम है वन है, और जबकि इसका जो मिनिमम है वो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मिनिमम ऑफ वन कॉमा डी ऑफ वाई जी, तो इसमें से मैं कह देती हूँ मिनिमम क्या है, इसका जो मिनिमम है वो डी ऑफ वाई जी के बराबर है, ठीक है। हो सकता है कि इसका मिनिमम वन हो, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसका मिनिमम ये आ जाए, ठीक है, तो देन क्या होगा, देन फिर से उसी तरह से हम करते हैं कि देखिए मिनिमम ऑफ
1, d ऑफ x टू z। इसको हम कह देते हैं कि इसका मिनिमम क्या होगा, लेस या इक्वल 1 के, ठीक है। और 1 फिर आगे से लेस होगा किससे, ये इनसे, 1 प्लस d ऑफ y कॉमा z इससे। फिर अब सिंपली क्या करना है, इनकी वैल्यूज रख देनी है। तो दिस इंप्लाइज ये किसके बराबर है, d' ऑफ x z लेस, और लेस देन है किससे, लेस है d' ऑफ, ये 1 किसके बराबर था, इसके बराबर, मिनिमम ऑफ 1, d ऑफ x टू y, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन हुआ, ये क्या हुआ, ये d' ऑफ x y के बराबर हुआ, तो ये इसकी वैल्यू रख दी। और प्लस ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये किसके, और ये हमारे पास होता है d' ऑफ y टू z, ठीक है। तो ये फिर केस टू भी हमारा क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। अब इसी तरह से हम केस थ्री डिस्कस करते हैं। केस थ्री है हमारे पास कि अगर मैं कहूं इफ मिनिमम ऑफ 1 और d, x, y, इसका जो मिनिमम है वो क्या है, d ऑफ x y है, ठीक है। इसका मिनिमम ये है और मिनिमम ऑफ 1, d ऑफ y z, इसका जो मिनिमम है वो भी ये है d ऑफ y z, इसका मिनिमम हमने ये ले लिया। देन क्या होगा, देन मिनिमम ऑफ हम कह देते हैं 1, d ऑफ x टू z, इसका जो मिनिमम है, ठीक है, 3 पॉइंट जस्टिफिकेशन की बात हो रही है कि x टू z और x टू y, फिर y टू z, ठीक है। तीनों में से हम मिनिमम अभी फर्ज करके इसको प्रूव कर रहे हैं कि अब देखें, इसमें से मैं मिनिमम कह देती हूँ x टू z वाले में से, मैं कह देती हूँ ये लेस देन है या इक्वल है d ऑफ x टू z के। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने क्या किया कि मिनिमम ऑफ इन दोनों में से d ऑफ 1 और d ऑफ x z, इनमें से मैंने मिनिमम क्या लिया था, मैंने कहा या तो 1 है, दो केसेस में इसी तरह से डिस्कस किया, या 1 है या फिर 1 से लेस होगा, ठीक है, लेस और इक्वल टू 1 है। तो अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हो सकता है इसका मिनिमम जो है वो d ऑफ x z आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, x z भी आ सकता है, क्योंकि ये इन दोनों का मिनिमम है तो लेस भी रह सकता है, ठीक है। तो अब ये देखिए d ऑफ x z जो है हमारे पास, ये भी आगे लेस और इक्वल रहेगा किससे, d ऑफ x y प्लस d ऑफ y टू z के। और दिस इम्प्लाइज अगर इनकी वैल्यूज रख दी जाए, ये किसके बराबर है, d' ऑफ x z लेस और इक्वल टू d' ऑफ x y प्लस d' ऑफ y टू z, ठीक है स्टूडेंट। तो सिंपली ये तीन केस थे, हमने तीनों तरह से देखा कि जो भी पॉसिबिलिटी बन रही है वो हमारे 3 पॉइंट जस्टिफिकेशन को, जो हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब नंबर 4 जो हमारा एक्सियम है वो भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम कह देते हैं हेंस जो d' है हमारे पास, जो d से आगे एक न्यू फंक्शन d' बना था, वो क्या है, इज मीट्रिक है ऑन एक्स पर। तो ये था स्टूडेंट्स आज की हमारी एग्जांपल, और होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम अपनी इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।